नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग एस सिक्स एच प्लस डिवाइस पर अपना जो ऐप लॉक का यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका जो ऐप लॉक है काम नहीं कर रहा है आपके डिवाइस में तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखेगा मैं आपको शो करके दोस्तों बताऊँगा यहाँ पर कैसे आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व करना है ठीक है अगर एप लॉक दोस्तों यहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या सोल्यूशन करना है कैसे आपको फिक्स करना है कैसे आपको ऐप जो है उसको लॉक करना है ये सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो करना क्या है आप दोस्तों सिंपली जाइए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में ठीक है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लॉक का प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है आप अगर सही ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं प्ले स्टोर से तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो सैमसंग के डिवाइस होते हैं उसमें दोस्तों लॉक का फ्यूचर नहीं आते हैं ठीक है बेसिकली ज़्यादातर मोबाइल पर अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर ऐप लॉक यहाँ पे काम नहीं करते तो आप सिंपली प्ले स्टोर में जाए उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करें सैमसंग एप लॉक तो ऐप लॉक के अंदर पे जाए ऐप लॉक पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है ठीक है जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे आप दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने ऐप को लॉक कीजिए ठीक है और दोस्तों बिल्कुल परफेक्टली आपका जो ऐप्स है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा और दोस्तों अच्छे से काम भी करते ठीक है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा सबसे पहले आपको पिन क्रिएट करना है ठीक है दो बार आपको पिन भरना है उसके बाद टिक करके अगर आपको फिंगरप्रिंट वगैरह यूज़ करना है आप कर सकते हैं उसके बाद एप लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्लस बटन पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली जाइए और कोई भी एप्स के जो बटन है उसको इनेबल कर दीजिए एंड देन दोस्तों प्लस आइकन पे दोबारा से क्लिक करें ओके okay करना है यहाँ पे और कुछ परमिशंस जो है उनको आपको अलाउ करना है ठीक है तो इस परमिशन को यहाँ पे अलाउ करें एंड देंट दोबारा से दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके okay कर देना है ठीक है तो अभी यहाँ पे आपको दोबारा से ओके करना होगा और ये एप्लो का जो सेटिंग है उसको भी अलाउ कर देना है जैसे अलाउ होगा सेटिंग कम्प्लीट और आपका जो एप्लो है वो लॉक्ड हो जाएगा ठीक है मैंने दोस्तों माई एयरटेल ऐप उसको लॉक किया है तो आइए एक बार चेक करके देखते हैं ओके तो यहाँ पे अभी तक दोस्तों ऐप लॉक जो है सेट नहीं हुआ है ठीक है तो आइए दोस्तों सेटिंग दोबारा से हमें यहाँ पे सेट करना होगा तो दोबारा से हम ऐप लॉक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारा जो परमिशन होता है वो कंप्लीट हमें देना होता है ठीक है तब जाके एपलॉग काम करते हैं। ओके तो ये सेटिंग यहाँ पे रह गया था तो इसको ओके करना है ठीक है एपेयर ऑन टॉप तो इसको भी अलाउ कर देना है और ओके करना है अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ एलाउ लॉक टू तो एक्सेस फोटोज मेडियस एंड फाइल ऑन योर डिवाइस ठीक है तो ये सबसे मेन सेटिंग था तो इसको अलाउ नहीं किया है तो अभी अलाउ कर दीजिए अलाउ करने के बाद बेक करके दोबारा से हम चेक करते हैं और दोस्तों अभी एपलॉग अप्लाई हो चुका है ठीक है तो एपलॉग यहाँ पे काम कर गया है और प्रॉब्लम दोस्तों हमारा जो है वो भी सॉल्व हो चुका है तो आपको सही एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है एंड देन आपका प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ठीक है अगर आपके मोबाइल पर बाई एनी चांस मिल जाते हैं एपलॉग का डिफ़ॉल्ट फीचर अगर वो काम नहीं करते तो आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए उसके बाद वो सेटिंग काम कर जाएगा ठीक है तो इस तरीके से फिक्स होगा आपका प्रॉब्लम उम्मीद उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग